कोई कितना ही खास हो सबसे संभल के, जनाब कोई कितना ही खास हो सबसे संभल के, मतलब से चलते हैं रिश्ते आजकल के। सुबह की चाय। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 8:07, मौसम कुछ ऐसा है, काफ़ी धूप आई हुई है आज, तो फूल देख लेते हैं तब तक। अपने फूल भी ठीक है, हमारे प्लांट भी ठीक है, घूम रहा है वाले बालों वाले अंकल भी ठीक हैं, ये भी ठीक है, खिल रहे हैं, ये थोड़े पीले बढ़ गए हैं, बाकी सब ठीक है। ये मनी प्लांट भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सब ठीक है, बस थोड़े ये पीले बढ़ गए हैं धूप से। धूप तो आज ठीक ठाक आई है। चाय पी लेती हूँ मैं, क्योंकि हमें अभी जाना भी है कहीं। सो गाइस हम घर से निकल गए हैं और काफ़ी आगे पहुँच गए हैं, तो हम आज जा रहे हैं बरमाणा, वहाँ पे हमने अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करवाना है, जो कि मैं चलाती हूँ उस वाली गाड़ी को, और थोड़ा सा करवा भी दिया है काम हमने गाड़ी का, आप देख सकते हैं लुक थोड़ी चेंज हो गई है, और थोड़ा सा करवाना रह गया है, इसलिए हम वहाँ पे जा रहे हैं, मैं पापा और चाचा जी जा रहे हैं। तो वहाँ पे पहुँच के हम बात करते हैं आप लोगों से और देखते हैं क्या क्या होता है वहाँ पे, अगर गाड़ी वहीं पे लगानी पड़ेगी तो हमें बस में आना पड़ेगा। वैसे तो आज संडे है, अब पता नहीं कि बस मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो गाड़ी का हमने जो चेंज करवाया है वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। वैसे तो हमने गाड़ी फुल चेंज करवा देनी है, क्योंकि जो कैबिन है इसका वो भी टूट गया था, तो कैबिन हमने नया डलवाया है इसमें। हम अंदर और पहुंच गए हैं, और यहाँ से थोड़ा ही दूर है, और पहुंच के पहले खाना खाएंगे क्योंकि बहुत भूख लगी है। घर से हम जल्दी जल्दी भी निकले तो कहीं से स्टार्टिंग नहीं कर पाई ब्लॉग की, तो ये हमारा ट्रक की ब्लॉग है वैसे, तो वहाँ पे जाकर मतलब खाना खाएंगे पहले, और उसके बाद काफ़ी काम है वो करवाएंगे, और फिर देखते हैं अभी पूरे दिन क्या क्या होता है। एक तो यहाँ के रोड इतने ख़राब है, गाड़ी कितना हिल रही है आप लोग देख सकते हैं, और रोड भी आप देख सकते हैं कितना बेकार रोड है, इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, तो ऐसे हाल रहे तो बहुत जल्दी गाड़ियों का काम दोबारा से करवाना पड़ेगा। तो गाइस हम बरमाणा पहुंच गए हैं, और अभी चाचा जी ड्राइव कर रहे हैं, यहाँ पे एक नीचे ग्राउंड है वहाँ पे हम अपनी गाड़ी ठीक करने को देंगे, पहले उनसे पूछेंगे कि क्या क्या हुआ है इसको, और चेंज करवाएंगे इसमें बहुत कुछ, तो देखते हैं वहाँ जाके पहले ग्राउंड में क्या होता है क्या नहीं होता है, अभी हम ग्राउंड ही जा रहे हैं। एक और बात बताऊँ तो वहाँ पर इतने सारे ट्रक लगे होते हैं ना, हर ट्रक अलग अलग होगा, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जब हम नीचे पहुँचेंगे, यहाँ से हम नीचे वाली साइड जाएँगे, उसके बाद हमें ट्रक देखने को मिलेंगे। एक साइड जेसी भी लगी है और एक साइड टिप्पर भी है यहाँ पे लगे हुए, और ट्रक वाली साइड है यहाँ पे हम भी जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है पहले ढाबा होता था एक, मतलब एक ही काफ़ी ढाबा होंगे यहाँ पे, और जो ट्रक ठीक करते हैं मैकेनिक वो भी यहाँ पे हैं, तो मैं जब छोटी थी तब आई थी यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे ढाबे पे खाना खाया था, तो पहले हम खाना खा लेते हैं। ये रहा मेरा एग परांठा और इसके साथ में दही। तो परांठा खाने के बाद हमने गाड़ी वहाँ पे चेक करवाई, तो उन्होंने बोला कि हमें देरा वाला जो रोड है वहाँ पे जाना पड़ेगा, उनकी मैकेनिक की दुकान जो है वहाँ पे आगे, तो हमें उसी रोड पे गए। सच में यहाँ पे बैठ के ना मैं बोर हो गई हूँ, बहुत गुस्सा रहा है, काम चला हुआ है अभी पीछे गाड़ियों का, पकौड़े पार्टी, अभी काफ़ी टाइम लगेगा काम होने को, तो हमें यहाँ पे बैठना पड़ रहा है फ्री में, और कुछ काम है नहीं, तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ, पापा पल्ली साइड ही हैं, चाचा जी भी पल्ली साइड ही हैं, ये बैग अभी पीछे, इसके बाद गाड़ी का काम ले गई है, ये रहे चाचा जी, यहाँ से बिल्कुल नीचे 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 काम हो गया, वापस जा रहे हैं।
भाई साहब रोड कैसे हैं इस साइड, आप लोग खुद ही देख लो। ऊपर से पत्थर गिरे हुए हैं, नीचे पहाड़ टूटे हुए हैं। काफी टाइम बाद ट्रक का सफर कर रहे हैं, पुल बन रहा है उस साइड। टाइम हो रहा है 3:03। ओ यहाँ बिग बोट भी चली हुई है, देखिए वो देखिए, ये है वो पुल जो हम दूसरी साइड से देख रहे थे। तो यहाँ पे काफी चीजें हैं देखने की वैसे तो। ये पहुंच के हम वापस वहीं पे ही। बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, ऐसा लग रहा था जैसे पानी को देखे वो सौ जमाने हो गए। टी टाइम, वैसे मूड नहीं था पीने का तो चाचा जी ने दे दी जबरदस्ती मेरे को चाय। बाहर इतनी धूप है, दिखे सारा दिन हो गया यहाँ पे। आज टाइम हो रहा 3:50, तो एक कभी जाऊंगी हम घर में, तो बहुत गर्मी लग रही है, इतने दिन बाद कुछ फील हो रहा है। मिल गई मैं अपने घर जाने के लिए, तो पापा यहाँ बैठे हैं, अभी गमछा रखा हुआ है कि जगह कोई ले ना जाए। बिल्कुल ड्राइवर के पीछे मेरे को सीट मिली है, पूरी बस भरी है, चाचा जी पीछे बैठे हुए हैं। सबसे आगे गुमार भी पहुंच गए, अब यहाँ से बस लेंगे घर जाने के लिए। कल हम इतना थके थे तो एंडिंग में कर नहीं पाए वीडियो की, तो सुबह मैं अब बता रही हूँ आप लोगों की कल क्या हुआ था। वहाँ पे हम गुमार में से हमें बस मिली एचआरटीसी वाले ने आधा घंटा बस रोक के रखी वहाँ पे, और दूसरी बस का इंतजार कर रहा था वो। और उसके बाद जो सवारियाँ बैठी थी वो भड़क की कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, इतनी देर से बस रुकी हुई है, हमें आगे जाना है। और टाइम हो रहा था 7:30 हो रहे थे उस टाइम, और सारी सवारियाँ भड़की। फिर उन्होंने ऊपर कर दिया कॉल, हेड जो उनके हेड होते हैं वहाँ पे कि ऐसा ऐसा कर रहे हैं यहाँ पे। फिर कंडक्टर की बात हुई, फिर बड़ा लफड़ा हुआ ऐसे वैसे, फिर चली बस, फिर हम लेट पहुँचे। और बस भी ऐसे स्लो स्लो चलाई हुई थी उन्होंने। फिर घर पहुँच के आराम से सोई, मैं जल्दी सो गई थी खाना खा के। मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी गाड़ी का बहुत सारा काम है, इंजन सब कुछ चेंज करना है, मतलब बिल्कुल चेंज करनी है गाड़ी। आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि वो हमारी जो जिसमें मैं पहले ब्लॉग बनाती थी वो थी वो गाड़ी, तो टोटली वो गाड़ी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। कलर वगैरह सब कुछ चेंज करेंगे हम, उसका कैबिन वगैरह तो पहले हो गया था उसका काम थोड़ा सा, क्योंकि हमने टाइलें वगैरह उतारती थी, उसके बाद वो भेज दी थी काम के लिए। फिर उसके बाद दोबारा से पापा लेके आए थे उसको घर, फिर घर के बाद उसको वॉश वगैरह करवाया और वापस लेके गए वहाँ पे, काम करवाया उसका और घर लेके आए। और उसके बाद थोड़ा सा काम रहा था, इंजन वगैरह चेंज करवाया, बिल्कुल अब वो पानी की तरह चलेगी। पूरा कैबिन ही चेंज करवा दिया है, लुक ही चेंज हो गई है उसकी, तो उसकी वीडियो मैं अलग से डालूंगी जब वो घर आ जाएगी पेंट होके, क्योंकि अभी उसमें कलर भी करवाना है। तो ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा।